अजमेर के सिविल लाइंस थाने में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए गढ़ी मलियान निवासी दीदार चौहान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के जरिए इस्तगासा पेश कर सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 मार्च 2020 को उनके द्वारा ऑनलाइन नीलामी के जरिए एआरजी सिटी में फ्लैट खरीदा गया था और उन्होंने 26 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा करा दी और बैंक के मैनेजर द्वारा रजिस्ट्री भी करवा दी गई, लेकिन बैंक मैनेजर से पजेशन मांगा जा रहा है तो वह नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर वह काफी परेशान भी हुए, जिस संबंध में उन्होंने बैंक मैनेजर के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया, जहां कोर्ट के द्वारा सिविल लाइंस थाने में इस्तगासा पेश कर मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? मामला बैंक ऑफ बड़ौदा वैशाली नगर ब्रांच ने एक ऑक्शन किया था 25 मार्च 2020 को, जिसमें मैंने एक फ्लैट परचेज किया था एआरजी सिटी का। तो वो फ्लैट का पजेशन मेरे को आज तक नहीं मिला है। पूरा पैसा इनके नियम अनुसार मैंने जमा करा दिया है, किस्तें मेरी बराबर कट रही है। एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस करा माखूपुर वाली ने और ऑक्शन करा वैशाली नगर ब्रांच ने। तो ये मामला ये है कि मैं एक साल डेढ़ साल से पूरे मैनेजर के पास जा रहा हूँ, वैशाली नगर ब्रांच के प्रीतम सेट्टी नाम से कोई मैनेजर है उनसे मिल रहा हूँ। वो मेरे को जब भी जाता हूँ 5 दिन 7 दिन का ऐसे दिलासा दे के वापस भेज देते हैं। उन्होंने ये जानबूझकर, जब उनको पता था अगर एआरजी सिटी का कोई पैसा बाकी है, मुझे तो पता भी नहीं है ना, वो मुझे बता रहे, लेकिन मुझे मालूम चला कि ऐसा भी सिस्टम होता है। इन्होंने कहीं भी ऑक्शन के समय कहीं भी नहीं बताया कि अन्य भी चार्जेस होंगे या कुछ होंगे। इन्होंने केवल अपने आपका जो करियर का रिकॉर्ड है उसको साफ़ करने के लिए इन्होंने ये ऑक्शन निकाल लिया, ताकि इनके ऊपर से जो इनका खाता है एनपीओ रखा था शहजाद खान का, वो इनका खाता सही हो जाए, इनका पैसे आ जाए और इनको मुझे फ्लैट नहीं दिया है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला मुझे। अच्छा, आपकी बातें होती है तो क्या बोलते हैं? 5 दिन रुको 7 दिन रुको, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं आपको आगे होकर फ़ोन करूँगा। एक साल से मुझे ये बात कही जा रही है, जिसके पास मेरे पास सपूत भी है उस चीज़ के कि उन्होंने आगे होकर आज तक मुझे एक भी कॉल नहीं करा। अभी उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ से मेरा माखूपुरा से फाइनेंस हुआ था ना, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया है कि अगर आप पोजेशन लेटर नहीं लाते तो आपको 2% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक ब्रांच ने मुझे ऑक्शन किया जिसने मुझे पोजेशन नहीं दिया है, एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस किया है, वो पोजेशन लेटर मांग रही है और कह रही है 2% की आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैं कहाँ से लाऊंगा पोजेशन लेटर? जो प्रीतम सेट्टी नाम के जो मैनेजर साहब हैं, वो रोज़ हमको बस यही बोलते हैं 5 दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे। उनका क्या रिटायरमेंट है? तो उन्होंने अपना खाता स्वाप करने के लिए, इनके कोई होते होंगे नॉर्म्स जिनमें कभी आपने जिसको फाइनेंस दिया है कुछ करा था उसके आप खाते के पैसे जमा कराओ, वो इनकी जिम्मेदारी बनती होगी। इसलिए इनका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा था, इन्होंने मुझे फ्लैट बेच दिया, फ्लैट बेच के पोजीशन दे नहीं रहे। कितने रुपए का मामला है? 26 लाख रुपए का मामला है। और मुझे पता है कि और भी ऐसे लोग होंगे जो सामने आएंगे मेरे आने के बाद में, जिनके साथ इस बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करी है खुद का रिकॉर्ड साफ करने के लिए। शिकायत मैंने न्यायालय के थ्रू भेजा है सिविल लाइन थाने में, अभी तो आज मैं उसी के दस्तावेज प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं इनसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी शिकायत जल्द से जल्द स्वीकार करें और उस बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करें। आपका परिचय? मेरा नाम दीदार चौहान है।